अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। मेरे साथ अली साहब हैं। अली साहब का ये स्नूकर क्लब है, इज गोइंग टू टीच अस के स्नूकर क्लब कैसे चलाते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि ये खुद एडवोकेट हैं, ही इज प्रैक्टिसिंग, सो दिस इज हिज रेजिडुअल इनकम, या कह लेंगे पैसिव इनकम है इनके लिए। यू कुड डू द सेम थिंग, आप भी यही चीज कर सकते हो। ये बेसमेंट में बना हुआ है, दैट मींस के बेसमेंट में इनका रेंट यानी ऑब्वियसली बनिस्बत ग्राउंड के दूसरे फ्लोर के कम होता है। दैट्स अ रियली गुड टैक्टिक, जहाँ तक बिजनेस की वो जाती है यानी टैक्टिक्स जाते हैं। तो अली भाई, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे टेबल कितने हैं? ये 7 टेबल हैं। आपने 7 से स्टार्ट किया था? नहीं, हमने 3 टेबल से स्टार्ट किया। जैसे बिजनेस बढ़ता गया इंक्रीज किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि एक टेबल कितने का आता है? ये एक टेबल 2 लाख से 3.5 लाख में आता है। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा टेबल लगाना चाहते हैं। हम ब्रांड न्यू की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रांड न्यू। और किसी को थोड़ा इस्तेमाल शुदा चाहिए, अच्छी कंडीशन में, 1.5 से 2 लाख में अच्छा टेबल मिल जाता है आपको, जो अच्छा टेबल है वो। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पर सेशन कितना चार्ज करते हैं? हम 50 रुपीज़ एक गेम का चार्ज करते हैं। ठीक। और जो प्राइवेट रूम है वो 500 पर आवर। प्राइवेट रूम का मैं खुद जिक्र करने वाला था, इन्होंने एक सेपरेट रूम रखी हुई है जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्राइवेट है। 400 रुपये हमने शायद का कितने का 500 रुपये चार्ज करते हैं। लोग पहले से बुक कर देते हैं उनका, यानी होते हैं वीआईपी को सर्विस हर बंदे को चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए वी हैव सस्ती गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। आपके पास 2 रूम्स हैं? जी, 2 रूम। ठीक है, माशाल्लाह। ऐसे होता है कि कभी दोनों गट्ठी बुक हों? हाँ, ऐसे होता है कि 2 गट्ठी बुक होती हैं। पहले लोग वेट भी कर रहे होते हैं, फिर उनको बता देते हैं कि आप इस टाइम आ जाएं तो अवेलेबल होगा रूम। ठीक है, ज़बरदस्त। आप ये बताइए कि एक टेबल की पर डे क्या इनकम है? तकरीबन 1000 रुपया एक टेबल की पर इनकम। सो 3.5 लाख आराम से हर साल आपकी आ जाती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी, यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि सारा प्रॉफिट बिजनेस का खरीद में होता है। अगर आपने महंगे खरीदे हैं तो इट विल टेक लॉन्गर टू रिकवर अपना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस लाने में। और अगर आपने थोड़ी जिद्दोजहद की है, सेकंड हैंड ले लिया, उसकी थोड़ी मरम्मत कर दी, अच्छी कंडीशन में है, शायद कोई फेलिंग होता है, क्लब होता है, तो वहाँ से आपने अगर उठाया तो डेफिनेटली आप 6 महीने में अपने पैसे पूरे कर लोगे। इनकी कोई मेंटेनेंस का खर्चा हो सालाना? सालाना इनके कपड़े का होता है, घिस जाता है कपड़ा इनका, राइट। उस पर क्या खर्चा आता है? उस पर तकरीबन एक टेबल पे 20,000 रुपया, 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी का कपड़ा आप चढ़ाते हैं। सही है। ये क्यूज भी क्या इनका सिलसिला है? ये हम हर साल जाते हैं, एक ही दफ़ा ले आते हैं, 8-10 क्यू, 1000 रुपये का एक क्यू मिल जाता है, 800 से 1000 रुपये। मैंने देखा अभी काफ़ी बच्चों ने खुद अपने वाले लाए हुए हैं, थोड़े ज़्यादा ये। हाँ, लोग अपने क्यूज भी अच्छे 10,000, 15,000 का क्यू भी लोग प्राइवेटली रखते हैं, फाइबर ग्लास वाले वगैरह, अच्छे क्यूज जो डेफिनेटली। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका यानी क्या इनके पास कुछ टिप हो कि यार मैंने ये नुकसान खाया है, ये मैंने चीज़ इसमें खुद दरियाफ्त की है, यू शुड बी डूइंग दैट। स्नोकर में एरिया बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जो जिन लोग अच्छे डिसेंट एरियाज में जिन्होंने क्लब बनाए हैं, टाइम दें, सफाई का ख्याल रखें, तो ये अच्छा बिजनेस है उस हिसाब से। लेकिन ये है कि अगर आप एक ही दफ़ा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें, रोज़ रोज़ तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, ख़राब तो होता नहीं है। ख़राब तो होता नहीं है, ये 20 साल भी 30 साल भी ख़राब नहीं होगा। तो यही है कि थोड़े से शुरू करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमने भी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। आपने पूल टेबल क्यों यहाँ पे रखे हुए? दरअसल पूल का कॉन्सेप्ट इस इधर थोड़ा कम है। ठीक, तो इसलिए हमने पूल नहीं रखे इधर, बड़े टेबल रेकमेंड करेंगे। हाँ, पूल टेबल भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल पूल टेबल्स तो आप रख सकते हैं। हमारे ऑफिस में हम पूल खेलते हैं। हाँ, वो लोग खेलते हैं, पूल भी खेलते हैं, रखे जा सकते हैं। हमने सोचा भी था, लेकिन फिर जगह की वजह से हमने नहीं पूल टेबल रखे, लेकिन रखे जा सकते हैं। जो जिन्होंने गेम अभी स्टार्ट की होती है वो पूल से स्टार्ट करते हैं लोग। सही है। तो अच्छा अली भाई, कोई मजीद कोई इनकम के कुछ ज़राए हों आपके यहाँ? स्नोकर में आप साथ ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं, कोई कैफेटेरिया बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, हमारा छोटा सा बना हुआ कैफेटेरिया। फिर आप बंडल में गेम्स दे सकते हैं, पैकेजेस दे सकते हैं, मुख्तलिफ जो मेम्बर्स होते हैं आपको, उनको पैकेजेस दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें साथ की जा सकती हैं, जिससे आपको अर्निंग हो जाती है। आप अच्छा अली भाई, थैंक यू वेरी मच आपने हमें इसमें बताया। एक और टिप मैं आपको देता हूँ कि क्लब को ऐसी जगह पे ना बनाया जाए जैसे कि टॉप फ्लोर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, राइट, और सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, तो फिर टेबल नमी पकड़ लेते हैं सर्दियों में, फिर आपको हीटर लगाना पड़ता है टेबल्स के नीचे, गर्मियों में आपको एयर कंडीशन देना पड़ता है, लकड़ी फूलेगी, वो उस प्रॉब्लम्स होते हैं। बेटर ये होता है स्नूकर्स आप जहाँ भी देखेंगे ना, वो बेसमेंट्स में बनाए जाते हैं। ठीक, स्नूकर में यहाँ पे भी देखना पड़ेगा ज़्यादा नमी ना हो। हाँ, ज़्यादा नमी ना हो, फिर उसको वेदर को कंट्रोल करना पड़ जाता है आपको, टेबल की मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक, एक्सलेंट, ज़बरदस्त टिप।
تو دیٹس اٹ میری طرف سے, ان کی طرف سے السلام علیکم دی اینڈ. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ اگین پیسو انکم جہاں تک جاتی ہے دس کو ڈیفینیٹلی ہوا, کوئی چرانے کی چیز کوئی نہیں ہے, کوئی اٹھا کے لے کے جانے والی چیز کوئی نہیں ہے. آئی تھنک ایک ایک ٹیبل دس دس بیس بیس بندے نہیں اٹھا سکتے, اتنا باڑی ہوتا ہے. اینڈ بیانڈ دیٹ گڈ لک ٹو یو, میں ہوں آزاد چائے والا, اگلے ویڈیو تک میری اور علی کی طرف سے السلام علیکم.